गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो, अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो, कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा, मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं, और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान, फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं, जा जाकर देख अब कौन आया है, जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है, सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगें आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खालिस सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लूट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है, मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा है, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुरा कर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुरा कर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं माँ नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डरो नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर गाँव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी, कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गाँव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गाँव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है, देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया, अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, हे वर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूं कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वो बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर। भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देख कर तो मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं
वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ये वरदान दीजिए महादेव, कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे, वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया, वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हो, आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ, क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको, लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था, वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए, अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया, वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णु देव, मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए, मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा, आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुँचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है ये, इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम, तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ, और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ, जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूँगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी। भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ।
भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ बचाओ भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।